वन मंत्रालय आता है, वन मंत्रालय के बाद हम आगे देखते हैं कि वन मंत्रालय के बाद सचिवालय आता है, सचिवालय, और सचिवालय के बाद वन वृत्त आता है, वन वृत्त के बाद वन मंडल आता है, वन मंडल के बाद उप वन मंडल होता है। ये क्लासिफिकेशन से ही आपको पता होना चाहिए, और वन परिक्षेत्र भी होता है उप वन मंडल के बाद, और उप वन परिक्षेत्र होता है। तो अब आप, मैं आपको बताना चालू करूं, यह वन मंत्रालय से यदि आप बात करें तो ये फॉरेस्ट मिनिस्टर का एरिया के अंतर्गत आता है, फॉरेस्ट मिनिस्टर। अब सचिवालय की यदि आप बात करें तो टोटल यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट यहाँ पे बैठता है, जो सचिवालय का प्रमुख होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट होता है। वन वृत्त की यदि आप बात करेंगे तो वन वृत्त को PCCF कहा जाता है। इसकी जो संख्या है वो 6 है, आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। सबसे बड़ा जो वन वृत्त यदि आपकी बात करेंगे, सबसे बड़ा वन वृत्त और सबसे छोटे वन वृत्त, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके आंसर आपको एकदम बेहतर तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें क्वेश्चंस को इजी फॉर्म में नहीं पूछा जा रहा है, ये या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्तरी या पर्टिकुलर ऐसा दे रहा है कि चार नाम दे देंगे, कांकेर दे दिया और दुर्ग दे दिया, समझिए रायपुर दे दिया, सरगुजा दे दिया, बिलासपुर दे दिया, जिसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो वन वृत्त पाए जाते हैं वो 6 पाए जाते हैं। वन वृत्त की संख्या कितनी है टोटल? 6, जिनमें सबसे पहला आपको शालवन, शालवन में जो शालवन वाला रेजिन, कहने का मतलब सरगुजा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा रायपुर, चौथा दुर्ग, पांचवा कांकेर, छठवा जगदलपुर। आप अच्छे तरीके से याद कर लें, बिलासपुर सबसे बड़ा वन वृत्त है और दुर्ग सबसे छोटा वन वृत्त है। ये तो हो गई बड़े और छोटे की बात। कभी कभी क्वेश्चंस में 4 या 5 ऑप्शंस दे देता है, जिनमें कोशिश यही रहती है कि देखने पे समझ में, 4 या 5 क्वेश्चन दे देता है जिसमें से, 4 या 5 ऑप्शन दे देता है जिसमें से पूछता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। तो लगभग इस सब चीजों से इतने से ही क्लियर हो जाएगा, जितना मैंने आपको बताया कि उसमें से एक ऑप्शन कवर कर लेता है। आपको मैं बता दूं कि वन वृत्त की यदि हम बात कर रहे थे अभी, तो वन वृत्त का आप एक ऑर्डर लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे बड़ा वन वृत्त जो है बिलासपुर, दूसरा वन वृत्त जो है वो सरगुजा अंबिकापुर, तीसरा रायपुर, चौथा जगदलपुर, पांचवा कांकेर, छठवा दुर्ग। सबसे छोटा वन वृत्त दुर्ग, सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर। सबसे बड़े वन वृत्त का डाटा भी लिख लीजिए, आपके लिए इसेंशियल हो सकता है। वो डाटा को मैं लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, डाटा को मैं यहाँ ऊपर स्लाइड में ऊपर लिख रहा हूँ। सबसे बड़ा जो वन वृत्त है वो इतना है, 14,002 किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे छोटा जो वन वृत्त है वो 5,201 किलोमीटर स्क्वायर। यानी दुर्ग और बिलासपुर को आपको याद रखना है, बाकी आप ऑर्डर याद रखिएगा, बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, जगदलपुर और कांकेर, इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया 10th नंबर का पॉइंट्स को मैंने आपको क्लियर कर दिया, 9th नंबर के पॉइंट्स को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। 11th नंबर में दिया है बांस के वन जो पाए जाते हैं, बांस के वन 12% भाग पे बांस के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेवेन्यू में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है। ये अभी क्वेश्चंस बहुत हॉट क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो छत्तीसगढ़ में बांस के वन 12% पाए जाते हैं, जबकि इनका राजस्व में योगदान 20% है। तेंदुपत्ते की बात करें तो इनका उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 20% है, ये इंपॉर्टेंट, टोटल इंडिया के टोटल उत्पादन का 20% है। इसके अलावा यहाँ गोंद, लाख, खैर, महुआ आदि वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फॉरेस्ट के बारे में जानने से पहले कहने का मतलब है कि हम यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में जाने। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक बायोस्फीयर रिजर्व, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 11 अभयारण्य पाए गए हैं। तो जब आप इनकी बात करेंगे तो वो दरअसल किस तरीके से हैं, इनको मैं थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, गोंद और खैर के बारे में बता दूं। खैर का सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर का खैर के लिए बहुत फेमस है। तेंदुपत्ता का गढ़ कहा जाता है अंबिकापुर। लाख जो है, लाख प्रसंस्करण केंद्र जसपुर और राजनांदगांव है। यदि आप इसकी बात करते हैं,
छत्तीसगढ़ में वन विकास निगम 30 अप्रैल 2001 को खोला गया, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया। इसके अलावा वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र में टोटल जो चीजें हैं वो इस तरीके की हैं, शक्ति, महासमुंद, जगदलपुर, अंबिकापुर, कवर्धा, भानुप्रतापपुर, ये 6 चीजें हैं जो वन प्रशिक्षण केंद्र में आती हैं। शहद प्रसंस्करण केंद्र की बात करेंगे तो शहद प्रसंस्करण केंद्र में 4 चीजें आती हैं, बिलासपुर, जसपुर, भानुप्रतापपुर और कवर्धा। बिलासपुर, जसपुर, भानुप्रतापपुर और कवर्धा शहद प्रसंस्करण केंद्र। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की स्थापना भिलाई में की गई। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो आपको 3 to 4 आवर्स में जो आपको छत्तीसगढ़ में सभी चीजें कवर करना चाहिए, वो मैं आपको अपनी तरफ से बता दिया। अब बांस, बांस प्रसंस्करण केंद्र में यदि बात करेंगे तो यहाँ का सबसे प्रमुख जो बांस पाया जाता है, नर बांस या लाठी बांस सबसे फेमस है। बांस का राजस्व में योगदान जो है 20% का है और वन के क्षेत्रफल का 12% है। तो बांस का के बारे में आप अच्छे से याद रखिए। बांस प्रसंस्करण केंद्र यदि आप जानना चाहें तो आमगांव, चरामा, बांदे, नोन बिर्रा, लालपुर, काशोली, ये 6 प्लेसेस हैं। आमगांव, नोन बिर्रा, लालपुर, चरामा, बांदे और काशोली, ठीक है। इस तरीके से आप मैक्सिमम चीजें मैंने आपको एक फॉरेस्ट के एक बेसिक लेवल पर जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको कवर कर दी। अब हम आते हैं उद्यान के बारे में। हम 12 नंबर के पॉइंट्स को कवर कर रहे थे, 12 नंबर के पॉइंट्स के। छत्तीसगढ़ में एक बायोस्फीयर रिजर्व, 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अभयारण्य। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का 11% भाग वन से है, जिनमें 4.91% जो है वो संरक्षित वन से घिरा हुआ है, संरक्षित वन से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं, देखिए अलग अलग कंटेंट में मैं चीजें जो पढ़ा हूँ वो मुझे अलग अलग मिली, लेकिन जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट जो मुझे लगेगा आज, मैं आज आपको वही चीज बताऊंगा। कुछ इन सब चीजों को मैं वीडियो के माध्यम से भी कवर करूंगा, बट एक इन शॉर्ट समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि टोटल भारत में वन पॉलिसी को आप समझें, 1927 से भारतीय वन अधिनियम आया, भारतीय वन अधिनियम, वन अधिनियम पहली जो चीज हुई, भारतीय वन अधिनियम, इसको मैं थोड़ा डिटेल्ड बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1980 में भारतीय संरक्षण अधिनियम आया, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम अगेन। फिर 1960, 20 साल पहले की बात करूं, 1960 और 1956 दोनों में, वन को लेकर कुछ प्रावधान आए थे, तो इस वन के प्रावधान भी आए थे, इसको भी याद रखेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछा जा सकता है वो है 30 अक्टूबर 2010 की डेट। आपको डेट बोल रहा हूं, 30 अक्टूबर 2010, 30 अक्टूबर 2010, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का गठन, लघु वनोपज संघ का गठन कब हुआ? 30 अक्टूबर 2010, इंपॉर्टेंट चीज है इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम का गठन, वन विकास निगम का गठन, डेट याद कीजिए पहले, 30 अप्रैल 2001, 30 अप्रैल 2001 कब हुआ? छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम। तो ये आपको मैंने आपको बता दिया कि छत्तीसगढ़ वन, ये चीजें इतनी डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब मैं आपको नेशनल पार्क, आपको खूबसूरत सा ये इंद्रावती नेशनल पार्क दिख रहा होगा ये। इसके अलावा ये जो डायग्राम है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज जितने भी हैं हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया 11 सेंचुरीज हैं, और नेशनल पार्क में यदि आप बात करें 3 नेशनल पार्क है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। कुछ ऐसे भी हैं जो मे बी इन फ्यूचर बायोस्फीयर रिजर्व बन सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नए बनाने की बात चली, जैसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो वो चीजें करंट अफेयर्स के सेक्शन में कवर होती हैं। तो मैं आपको एक बता दूं कि सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड चीजों को मैं बताऊं, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड चीज को जो बताऊं, तो सबसे पहले बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट आया 1985
5 में कांगेर घाटी को प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व बताया गया, बायोस्फीयर सबसे अलग सा दिखता हुआ। एक चीज और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है, गौरव अग्रवाल का इंटरव्यू था आईएएस का, उसकी आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया था, हालांकि उसका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं था, फिर भी तो हमें भी एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है पर्टिकुलर एक जीव को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है, और उसमें जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन का जो एक्सट्रीम लिमिट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होता है, उसमें कोई भी आप गतिविधि नहीं कर सकते हो। जबकि अभयारण्य जो होती हैं, अभयारण्य और नेशनल पार्क, अभयारण्य में ये चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं, मतलब राष्ट्रीय उद्यान में चराई कटाई करना पॉसिबल नहीं है, जबकि अभयारण्य में ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अब बायोस्फीयर वाले रिजर्व के एरिया में बिल्कुल भी कोई भी चीज़, हर प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस रहता है उसमें, कोई भी चीज़ें नहीं करता इंसान। अब मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बेहद ही टफ आते हैं, ना बनने के लिए आते हैं, तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं मैक्सिमम चीज़ों को कोशिश करूंगा कि बोल कर बताऊं, ताकि क्योंकि मुझे पूरी चीज़ें कवर करना है, मैक्सिमम फैक्ट्स को आप समझते चलिएगा। 1985 में सबसे पहले कांगेर घाटी को क्या बनाया गया, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, और वर्तमान में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो अचानक मार्ग है, अचानक मार्ग है जो हमारा कौन सा नंबर का बायोस्फीयर, देश के 14th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है, देश के 14th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ और, कि 2008 में फर्स्ट टाइम पहली बार पाया गया था माउस डियर। कहाँ पाया गया था, ये अचानक मार्ग में पाया गया था, ये माउस डियर पहली बार जो पाया गया था कहाँ पाया गया था, अचानक मार्ग में 2008 में पाया गया था। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क, यदि आप लेंगे राष्ट्रीय उद्यान लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके नाम क्रमशः इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया फैला हुआ है, 1258 किलोमीटर स्क्वायर एरिया फैला हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, और 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के फॉर्म में रखा गया पहली बार। इसके अलावा यदि इसके बारे में और फैक्ट जानना चाहेंगे तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2009 में, 2009 इंपॉर्टेंट डेट, 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। साथ ही साथ एक चीज और याद रखेंगे, जब इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तब इस समय इसकी जो टोटल एरिया था 2799 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। यदि आप वर्तमान में टाइगर रिजर्व के एरिया को यदि कंजर्व करते हुए देखते हैं कि टोटल इंद्रावती नेशनल पार्क कितना कितना स्क्वायर एरिया कवर करता है, तो 2799 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, सर्वाधिक बाघ कब कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक बाघ पाया जाने वाला जो एरिया है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सभी उद्यानों में। इसके अलावा जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक और फैक्ट है, ये वन भैंसों का घर कहलाता है, ये वन भैंसों का घर कहलाता है, वन भैंसों का घर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वन भैंसों का घर किसे कहते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वन भैंसों का घर वाला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ इसे कुटरू वन भी कहा जाता है, वन भैंसों के जगह को कुटरू वन नाम दिया गया, कुटरू वन कहा जाता है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, साथ ही साथ यहाँ से इंद्रावती नदी निकलती है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये फैक्चुअल डाटा हो गया जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा यदि आप राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मैं आपको इस फ्रेश स्लाइड में आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पहला फैक्ट यदि आप जानना चाहें तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। वास्तव में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश स्टेट में के सीधी डिस्ट्रिक्ट में था, है ना, तो सीधी डिस्ट्रिक्ट का जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो जो छत्तीसगढ़ में आया वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहलाया। साथ ही साथ यदि आप जानना चाहें कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट प्लस सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है,
घासीदास कोरिया डिस्ट्रिक्ट और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 1471 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। स्पेशली यहाँ पे नील गाय पाई जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़, नील गाय का एरिया कहलाता है या नील गाय। एक और चीज़, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क और इसे प्रस्तावित टाइगर रिजर्व, चौथे नंबर का प्रस्तावित टाइगर रिजर्व, चौथे नंबर का प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो यहाँ बाघ, नील गाय, तेंदुआ, गौर, लंगूर, बंदर और सांभर एवं चीतल। वापस से, बाघ, नील गाय, तेंदुआ, गौर, लंगूर, बंदर, सांभर और चीतल, ये जानवर पाए जाते हैं। यहाँ के इम्पोर्टेंट जो दर्शनीय स्थल है, ये दर्शनीय स्थल इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूछ सकता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान के आसपास हैं। तो आप याद रखिएगा आमा पानी, इम्पोर्टेंट चीज़ आमा पानी, आमा पानी। दूसरा चीज, सिद्ध बाबा की गुफा, सिद्ध बाबा की गुफा। इसके अलावा तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गंगा रानी माता की गुफा, गंगा रानी माता की गुफा। जब हम नदी अपवाह तंत्र देखेंगे उसमें आपको जो उत्तर भारत, उत्तर छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं उसमें बनास, नेऊर, गोपद, रिहंद, कन्हार, ये उत्तर उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियां हैं, जिसमें से जो नेऊर नदी रहती है, नेऊर नदी पे चियूल जलप्रपात है। चियूल, चियूल एक नया नाम है, आप ये ध्यान दीजिएगा, चियूल जलप्रपात नेऊर नदी पे है। ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के आसपास वाटरफॉल है। तो ये फैक्ट हो गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क से रिलेटेड। अब हम तीसरे फैक्ट पे आते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड यदि आप बात करना चाहेंगे तो इसमें पहला फैक्ट ये है कि इसका विस्तार कहाँ है, बस्तर जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 1981 और 1982 में हुई थी। यदि संजय गांधी नेशनल पार्क या जिसे अचानक कुमार कहते हैं, इसकी स्थापना का दिवस यदि मैं आपको डेट नहीं बताया हूँ तो आप वापस से नोट कर लेंगे, इसका डेट जो है 1981 है, 1981। यानी सबसे लास्ट में बनने वाला कौन सा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान यदि बोला जाए तो कौन सा होगा, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी होगा, याद रखेंगे इस चीज़ को। पहाड़ी मैना विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है, पहाड़ी मैना, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है, बस्तर के रीजन में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। चौथी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ का प्रमुख जानवर क्या है, रिशस बंदर, रिशस बंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिशस बंदर। रिशस बंदर से आरएच फैक्टर निकालने जाता है, आरएच फैक्टर की खोज यहीं से हुई है, रिशस बंदर के उससे आरएच फैक्टर की खोज। आरएच फैक्टर जो है ये बायोलॉजी का एक टर्म है, उस चीज से संबंधित है। कुटुमशर की प्राचीन गुफा भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास है, कुटुमशर की प्राचीन गुफा, कुटुमशर की प्राचीन गुफा। इसके अलावा यदि आप बोलेंगे तो भैंसा दरहा, इम्पोर्टेंट, मच्छरों का गढ़ कहा जाता है, भैंसा दरहा, भैंसा दरहा, भैंसा दरहा, मगरमच्छ से संबंधित क्षेत्र है ये। और यहाँ पे मुनगा बहार नदी पे सबसे ऊंचा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात कौन से रिवर पे स्थित है, मुनगा बहार, इंपॉर्टेंट चीज, मुनगा बहार रिवर पे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान के लगभग फैक्ट आपको कवर हो गए होंगे। अब हम चीज़ों को, स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हैं। स्लाइड्स में आपको एक मानचित्र दिख रहा होगा, हम राष्ट्रीय उद्यान या वन का जो अभयारण्य के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वन का एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ये साल वन का एरिया कहलाता है, स्पेशली सरगुजा। एक फैक्ट और यहाँ पे याद रखिएगा, जो एग्जाम मैंने कुछ एग्जाम में देखा है वो फैक्ट, जो राज्य के प्रतीक चिन्ह है, राज्य के प्रतीक चिन्ह में ऐसी कौन सी चीज़ है जो शामिल नहीं है, तो साल वृक्ष है जो राज्य के प्रतीक चिन्ह में दिखाया नहीं गया है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं अब आपको बात करूं, ये साल वन का एरिया है, यहाँ पे सागौन के वन पाए जाते हैं, जितने भी मैकल सीरीज के जो आसपास के रीजन है यहाँ सागौन वन पाए जाते हैं। और जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, मैदानी एरिया, रायपुर, दुर्ग संभाग, ये यहाँ पे मिश्रित वन पाए जाते हैं,
मिश्रित वन, और नीचे का ये शाल वनों का द्वीप कहा जाता है। नारायणपुर की कुरसेल घाटी अपने आप में फेमस है, ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में वैसे ही बता चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो लोकेशंस दिख रही है आपको, ये अलग अलग प्लेसेस पे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशंस इसमें शो अप की गई है, जिसे मैं आपको बोल करके पूरा सब चीज़ समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीज़ें पूरी तरह से क्लियर होंगी। तो अब हम आते हैं अभयारण्य के कॉन्सेप्ट पे। अभयारण्य, जिस तरह से मैं अभयारण्य बताऊंगा आप वैसे ही याद कीजिएगा, तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा। 1974, 1975, 1976, 1978, 1983 एंड 2001। सबसे पहले ये सन याद कीजिए, 1974, 1975, 1976, 1978, 1983 एंड 2001। ये सन याद होगा तो फिर मैं आपको एक कोडिंग के तहत पूरे अभयारण्य याद करा दूंगा। तो पहली एक आप लाइन लिखेंगे, वो लाइन को इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊं अभयारण्य को, ये सीता के घर अचानक बादल गरजा, अचानक बादल गम में गरजा, सीता के घर अचानक बादल गम में गरजा। कितने बार गरजा? 76 times, 76 बार गरजा। तो सबसे पहले पहला वर्ड क्या दिखा? सीता, 1974, सीता नदी। दूसरा अचानक, अचानक मार्ग, 1975। फिर बादल खोल, 1975। फिर गम, गोमर्दा, 1975। ये तीन राष्ट्रीय उद्यान, अचानक मार्ग, बादल खोल और गोमर्दा, इसके अलावा ये सीता नदी। आगे बढ़ते हैं हम। अचानक बादल गरजा, कितने बार गरजा? 76 times, यानी 1976, बार नवा पारा, इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तू मेरा समर, मैं तेरी पिंगला, तू मेरा समर, मैं तेरी पिंगला, इस तरीके से। अगला सन 1978, समर शेमर शोत, शेमर शोत राष्ट्रीय उद्यान, सेमर शोत अभयारण्य, 1978। फिर पिंगला, तैमोर पिंगला, तू मेरी पिंगला, तैमोर पिंगला, मैं तेरा समर, तैमोर पिंगला, तैमोर पिंगला, 1978। सब के अभी डिस्ट्रिक्ट भी मैं आपको याद कराऊंगा। ये यहां तक होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हम। भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों बीजापुर, भैरमगढ़ और पामेड़। उसके बाद उद्यंती, ये तीन जो अभ्यारण्य बने ये 1983 में बने, और लास्ट 2001। 2001 में क्या बना? भोरमदेव, भोरमदेव कवर्धा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, सीता के घर अचानक बादल गम में गरजा, कितने बार गरजा? 76 बार गरजा। तू मेरी पिंगला, मैं तेरा समर, या तू मेरा समर, मैं तेरी पिंगला, इससे सेमर शोत और तैमोर पिंगला। फिर भैरमगढ़, पामेड़, उद्यंती, ये तीन नाम आपको याद रखना, 1983 में, 2001 में भोरमदेव। अब हम आते हैं सीता, जो सीता है, सीता नदी है, वो कहाँ है? धमतरी में है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर अचानक मार्ग, मुंगेली। उसके बाद बादल खोल, बादल खोल है स्पेशली याद रखिएगा, जशपुर इंपॉर्टेंट अभ्यारण है, क्योंकि सबसे छोटा अभ्यारण है बादल खोल, जशपुर, गोमर्दा रायगढ़। फिर बार नवा पारा, बार नवा पारा, इस चीज को याद रखिएगा, बार नवा पारा महासमुंद डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा सेमरशोत और तैमोर पिंगला। सेमरशोत जो अभ्यारण है वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बलरामपुर, और तैमोर पिंगला जो है वो सूरजपुर में। सबसे बड़ा अभ्यारण है भैरमगढ़ और पामेड़, ये दोनों बीजापुर में। पीएससी 2015 का क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन, कि पामेड़ कहाँ से बिलोंग करता, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? तो बीजापुर। उद्यंती गरियाबंद, और लास्ट भोरमदेव कवर्धा या कबीरधाम।
तो इस तरीके से आपको राष्ट्रीय उद्यान के सन और राष्ट्र अभयारण्य के राजकीय अभयारण्य के मैंने आपको सन बता दिए और कौन कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं ये बता दिया। अब सबसे बड़ा इसमें जो बड़ा बोलना चाहिए अभयारण्य है वो है तैमूर पिंगला है, और साथ ही साथ इसका जो सबसे छोटा अभयारण्य है वो बादलखोल है। तो होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हर चीज़ को प्रॉपर वे में बता पाना अभी क्विक रिविजन के समय संभव नहीं है। तो बट मैं आपको बता दूं, अभी जो टाइगर रिजर्व बने हैं, सीता नदी एक टाइगर रिजर्व है। इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सीता नदी से चालू करता हूँ। सीता नदी पहला मेरे को अभयारण्य दिख रहा है, तो सीता नदी में इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहला अभयारण्य, सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है, 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर है, सोंढूर जलाशय है। चार फैक्ट, सीता नदी, प्रोजेक्ट टाइगर, सर्वाधिक तेंदुए, सोंढूर जलाशय, अचानक मार्ग। चलिए अचानक मार्ग एक अभयारण्य भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। 2005 2008 में माउस डियर पहली बार पाया गया, 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। मनियारी नदी यहाँ से गुजरती है, और सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं अभयारण्यों में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वाइट डियर पाए जाते हैं, यानी सफ़ेद वाइट बियर पाए जाते हैं, यानी सफ़ेद भालू। और यहाँ पे बरार पानी जलप्रपात, यानी कि अचानक मार्ग से संबंधित मैंने चीज़ें आपको बता दी। अब हम आते हैं अचानक मार्ग के बाद बादल खोल। बादल खोल के बारे में मैंने सबसे पहले बताया कि सबसे छोटा अभयारण्य, दर्शनीय स्थल यहाँ पे कैलाश गुफा है, और चिंकारा एक स्पेशल तरीके का जानवर यहाँ पाया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं गोमर्दा। गोमर्दा की बात करेंगे तो ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाने वाला अभ्यारण है, जहाँ स्पेशली गौर, जो कि गौराया होती है, वो स्पेशली पाई जाती है। इसके अलावा कोई यहाँ पे कोई ऐसे विशेष तो नहीं है। फिर उसके बाद तैमूर पिंगला सबसे बड़ा आपको अभ्यारण है, यहाँ पे रक्षगंडा जलप्रपात है, और बेगची पाथ, घाट पेंडारी, इंपॉर्टेंट चीज़, घाट पेंडारी, तैमूर पिंगला में घाट पेंडारी, घाट पेंडारी इंपॉर्टेंट चीज़। अब सेमरसोत, सेमरसोत की बात करें तो सेमरसोत में स्पेशली पाई जाती है नील गाय, और यहाँ पे जो पवई जलप्रपात, ताता पानी, एक इंपॉर्टेंट जगह जहाँ के बारे में ये बोला जाता है कि यदि आप कच्चे चावल को वहाँ के पानी में आधे घंटे रखेंगे तो वो चावल पक जाता है। तो ये जो स्पेशल प्लेस है ताता पानी, सेमरसोत अभयारण्य के आसपास स्थित है। इसके अलावा आप भैरमगढ़ और पामेड़ की बात करेंगे तो ये भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित अभयारण्य है, कोई इसमें विशेष नहीं है। उद्यंती की बात करेंगे तो उद्यंती एक नया 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर में तीन अभयारण्य में शामिल है, सीता नदी, अचानक मार्ग और उद्यंती। यहाँ से उद्यंती नदी बहती है और गोदना जलप्रपात है। अब हम बात करते हैं भोरमदेव, सबसे नवीनतम जलप्रपात, कबीरधाम में स्थित भोरमदेव मंदिर यहाँ पे पाया जाता है, और दर्शनीय स्थल चिल्फी घाटी, सील पचराही, रानी दरहा जलप्रपात, इंपॉर्टेंट चीज़, और इसे लघु भेड़ा घाट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपके राष्ट्रीय उद्यान के कुछ फैक्ट्स भी मैंने आपको कवर कर दिए। अब हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बाग से रिलेटेड, यानी छोटे छोटे उद्यान से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला नीचे से आप देखेंगे, स्लाइड में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा, पहला जंगल सफारी, नया रायपुर। कहाँ पाया जाता है जंगल सफारी? नया रायपुर में पाया जाता है। इसके अलावा कानन पेंडारी, बिलासपुर, कानन पेंडारी, बिलासपुर, कुटरुवन, मैंने आपको बताया था कुटरुवन, वन भैंसों का घर, कुटरुवन वन भैंसों का घर, कहाँ? बीजापुर, बीजापुर में पाया जाता है, एकमात्र गेम सेंचुरी जिसे भी बोलते हैं, कुटरुवन कहाँ? बीजापुर में। राजीव स्मृति वन, नाम से ही समझ में आता है, राजीव स्मृति वन कहाँ पाया जाना चाहिए? रायपुर, राजीव स्मृति वन। इसके अलावा नंदन वन रायपुर में भी,
और क्रोकोडाइल पार्क, इंपॉर्टेंट चीज, क्रोकोडाइल पार्क, क्रोकोडाइल पार्क जो पाया जाता है वो कोतमी सुनार, कोतमी सुनार, कोतमी सुनार कहाँ, जांजगीर चापा। तो इस तरीके का ये फैक्ट भी आपके काम आएगा। वन भैंसों में जो छत्तीसगढ़ के वन भैंसे हैं उनकी नस्ल सबसे शुद्ध मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप और इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में जानना चाहेंगे तो भैंसा दरा मगरमच्छों के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि प्रस्तावित हैं, जो कि नया अभयारण्य बनाने की बात चल रही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बाघ और हाथियों के लिए नया अभयारण्य बनाने की बात चल रही है। चौथा टाइगर रिजर्व जो बनाने की बात चल रही है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। इसके अलावा पहली बर्ड सेंचुरी रायपुर में बनाने की बात चल रही है, पहली फर्स्ट फर्स्ट बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षियों से संबंधित अभयारण्य बनाने की बात चल रही है वो रायपुर में। पक्षी अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो भी रायपुर में। अब गौ अभयारण्य की बनाने की बात भी चल रही है। ये ऐसा पूरे पूरे भारत में पहली बार ऐसा हो रहा कि छत्तीसगढ़ में कि गौ गोवर्धन मिशन के तहत पहली बार गौ अभयारण्य बनाने की बात चल रही है, जिसे गोकुल मिशन योजना के तहत कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़, फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़ कोरिया जिला, फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़ कोरिया जिला। इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान की चीज़ें लगभग लगभग समाप्त हुई। इसके अलावा भी कुछ जो उत्पटांग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं या जो, तो वो कुछ फैक्ट्स हैं तो उनमें आप नोट डाउन कर लें। छत्तीसगढ़ के उद्यानों व अभयारण्य में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो चीतल। उद्यंती में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, वन भैंसा। तैमोर पिंगला में स्पेशल कौन सा जानवर, नीलगांव, मैं आपको बता चुका हूँ। बार नवापारा में स्पेशल कौन सा जानवर, सांभर। सीता नदी का स्पेशल कौन सा जानवर, तेंदुआ। पहाड़ी मैना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, बस्तर संभाग और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मोर सर्वाधिक कहाँ, उद्यंती। सफ़ेद भालू मरवाही क्षेत्र कहाँ, अचानक मार्ग। कोतमी सुनार आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तालाब में मगरमच्छों के संरक्षण के लिए। बस्तर का जाटलूर नदी, इंपॉर्टेंट चीज़, जाटलूर नदी भैंसा दराहा क्षेत्र मगरमच्छ। तो होप लगभग पूरी चीज़ें राष्ट्रीय उद्यान से चीज़ें क्लियर हो गई। अभी आपको मैं बता दूं, अब हम जा रहे हैं एग्रीकल्चर जोन में। एग्रीकल्चर जोन में जाने से पहले, हम एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम नदी अपवाह तंत्र को अच्छे से समझें। तो नदी अपवाह तंत्र के लिए मैंने कोई विशेष स्लाइड तो नहीं बनाई है, क्योंकि ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है। तो मैं इस चीज़ को कुछ बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, तो उस चीज़ से हम देखते हैं। जस्ट 2 सेकंड वेट। अब नदी अपवाह तंत्र के बारे में स्टडी करने से पहले मैं बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र है उसको 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। कुछ कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे तो 4 भागों में क्लासिफिकेशंस किया गया, कुछ कुछ बुक में पढ़ेंगे आप तो 5 भागों में क्लासिफिकेशंस किया गया। बेसिकली 4 भाग में क्लासिफिकेशंस ही समझिए, महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा सोन नदी अपवाह तंत्र और चौथा नर्मदा अपवाह तंत्र। तो आप देखें, पहला सोन नदी अपवाह तंत्र, ऊपर से नीचे हम देखते हैं सोन नदी अपवाह तंत्र। सेकंड गोदावरी अपवाह तंत्र, सबसे साउथ में गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा महानदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट महानदी अपवाह तंत्र या मैदानी क्षेत्र का अपवाह तंत्र सेंट्रल छत्तीसगढ़ में, और चौथा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। यदि आप सबके कंट्रीब्यूशन की बात करें कि कौन सा अपवाह तंत्र कितनी चीज़ें कवर करता है, तो उसको मैं बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा कवर करता है महानदी अपवाह तंत्र 58%, 58.48, जो रिसेंटली डाटा, सबसे परिशुद्ध डाटा जो मुझे लगा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। 28% गोदावरी, 0.58% नर्मदा नदी, और सोन नदी का जो अपवाह तंत्र है 13.15% है। तो इस प्रकार
टोटल चार अपवाह तंत्र में बांटा गया है। चार अपवाह तंत्र का परसेंटेज कुछ ही इस तरीके का है। तो यदि आप लोकेशंस देखना चाहें छत्तीसगढ़ के मैप में, तो मैं छत्तीसगढ़ का एक मैप बनाता हूँ, उसमें आप देख लें। ये छत्तीसगढ़ का एक रफ मैप, जिसमें ये जो है इतना जो रीजन है, यहाँ से पहली बनास नदी, दूसरी गोपद, सॉरी दूसरी ये यहाँ से नेऊर, बनास के बाद नेऊर, फिर गोपद, फिर रिहंद, फिर इस तरीके से कन्हार, इसको हम देखेंगे। ये जो पांच नदियां हैं, ये सभी सोन नदी अपवाह तंत्र में आती हैं। यदि आप इस चीज़ को पूरे तरीके से समझना चाहें, तो इंडिया के मैप में कुछ इस तरीके से समझें, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा किस तरह से नर्मदा अपवाह तंत्र में चीज़ें जुड़ जाती हैं। इस चीज़ को मैं बताऊंगा इसमें एक रफ डायग्राम के थ्रू। ये अगर हम इंडिया के मैप को इस तरीके से प्लॉट करते हैं, इधर इस तरीके का आप रफ डायग्राम ही समझिएगा इसे, तो जो ये है, ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, ये कुछ इस तरीके से। और जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो इस प्लेस पे बसा हुआ है, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो यहां से जो नदियां निकलती हैं सब किसमें मिलती हैं? गंगा अपवाह तंत्र में। इसलिए सोन नदी अपवाह तंत्र को गंगा अपवाह तंत्र एक्चुअल नाम बोलेंगे, गंगा अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। तो जितनी भी उत्तरी छत्तीसगढ़ की नदियां हैं सब क्या हैं? सब सोन नदी अपवाह तंत्र या गंगा अपवाह तंत्र में मिलती हैं। इसके अलावा यदि आप यहाँ से, ये गोदावरी नदी है, यहाँ से ये नासिक से ये यहाँ, तो ये जो ये टच करके जाते हैं, तो नीचे वाला जो एरिया है ये गोदावरी अपवाह तंत्र को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ का जो सेक्शन है, ये सेक्शन यानी इंद्रावती नदी ऐसे बहती है, और ऐसे ऐसे करके ये कुछ इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरीके से आप जानेंगे कि किस तरह से गोदावरी है। अब इसके अलावा अगर आप ये लोकेशन देखेंगे, तो यहाँ पे अमरकंटक प्लेस है। इस अमरकंटक प्लेस से एक नदी ऐसे नर्मदा नदी इधर निकलती है। तो नर्मदा नदी के रीजन का जो एरिया है वो ये एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे नर्मदा नदी, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है? नर्मदा अपवाह तंत्र। और इसके अलावा यहाँ से महानदी कुछ इस तरीके से ऐसे निकलती है और उड़ीसा में जाके ऐसे गिरती है। तो इस तरीके से ये जो एरिया कहलाता है ये महानदी अपवाह तंत्र कहलाता है। तो होप मैंने आपको ये चीज़ बताया कि किस तरीके से इन नदियों के अपवाह तंत्र का नाम पड़ा होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईस्ट नॉर्थ साइड से। तो नॉर्थ साइड से स्टार्ट करने से पहले मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। पहली चीज़ हम देखेंगे रिवर सिस्टम में, थोड़ा सा जटिल होगा लेकिन उसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। मैं आपको एक पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज़ जो दिख रही है आपको इस डायग्राम में, ये मैंने आपको अभी बताया था, ये जो रिवर है ये जो रिवर है ये है बनास, बनास रिवर। उसके बाद सेकंड जो रिवर है ये है नेऊर रिवर। तीसरा जो रिवर है ऐसे सी, ये गोपद, गोपद से एक रिवर नीचे की तरफ हसदो, फिर ये रिहंद डी नंबर की, और ई नंबर की जो रिवर है वो कन्हार। मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कुछ इस तरीके से, आप देखना चाहें। ये मैंने आपको बताया था पहली जो रिवर है ये है बनास, दूसरी नेऊ, तीसरी गोपद, चौथी रिहंद, पांचवी कन्हार। तो इस तरीके से इसी चीज़ को मैं यहाँ पे प्लॉटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें तो आपको ये याद रखना है कि पहली जो ए वाली रिवर है, ए वाली, ये है बनास, जो बी है ये है नेऊर, सी गोपद, चौथी जो है रिहंद, और पांचवी जो है कन्हार। अब रिहंद नदी की दो सहायक नदी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे महान नदी आपको दिख रही होगी, कौन सी नदी? महान नदी, और यहाँ पे मोरान नदी। दो नदी हैं जो कि रिहंद की सहायक नदी हैं, महान और मोरान। इसके अलावा जो भी फैक्चुअल डाटा होंगे मैं उसको अभी फैक्ट एक में एक लाइन में पूरी चीज़ों को कंसिडर करूंगा। तो ये उत्तरी छत्तीसगढ़ की नदियाँ हैं, ये उत्तरी छत्तीसगढ़ इतने पूरे रीजन की पूरी नदियाँ हैं, ये रीजन, ये उत्तरी उत्तरी छत्तीसगढ़ की पूरी नदियों का मैंने इस तरीके से कवर कर दिया। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट पे कहने का मतलब ये कि नर्मदा गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में जानते हैं।
तो गोदावरी अवतंत्र फिर वापस से आप जाइए, इस चीज़ को समझिए। मैंने आपको बताया था कि ये जो रिवर है, ये जो रिवर है, ये जो आपको दिख रही है, ये इंद्रावती रिवर है। इंद्रावती रिवर, इंद्रावती रिवर का उद्गम उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। तो मैं पूरी चीज़ें फैक्ट आपको दूंगा, बट मैं आपको पहले मैपिंग बता रहा हूँ। ये इंद्रावती रिवर है, इंद्रावती रिवर में ये जो यहाँ से रिवर आती है, ये कोंडागांव से दो रिवर, नारायणपुर से दो रिवर।